हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स अपनी किचन में दो रेसिपी, और बहुत ही मतलब टेस्टी बनाएंगे और बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे, और मतलब कि बहुत ही अच्छी बनती है। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स काले चने, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, जैसे कि काले काले रहते हैं ना, उसी तरह चने बनाएंगे। और हम सूजी का हलवा बनाएंगे और उसकी हम बर्फ़ी बनाएंगे। फ्रेंड्स, हलवा ना बना के हम बर्फ़ी बनाएंगे। तो कैसे बनाना है, चलिए हम चलते हैं अपने किचन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हम बिना लहसुन प्याज के चने बनाएंगे, और बिल्कुल काले चने बनेंगे जैसे बाहर खाते हैं ना, और जो भंडारे वाले चने होते हैं बिल्कुल वैसे ही काले हम चने बनाएंगे। क्योंकि अक्सर हम फ्रेंड्स घर में चने बनाते हैं तो काले काले नहीं रहते हैं और वो टेस्ट भी नहीं रहता है। तो ये फ्रेंड्स 250 ग्राम के करीब चना है, मैंने भिगो कर अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था। तो ये इतना चना मैं इसमें डाल दूंगी, और इसमें फ्रेंड्स हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक ही गिलास पानी डाला है। इतना पानी हमको डालना है कि बस चने भी ना डूबें और थोड़ा सा पानी मतलब चने ऊपर ऊपर दिखते रहें। तो आप देख सकते हैं कितना पानी मैंने इसमें डाला है, क्योंकि ये पानी हमको फेंकना नहीं है फ्रेंड्स, यूज़ करना है। इसमें दो तेज़पत्ता मैंने डाला है, दो ये बड़ी इलायची डाली है वो भी ऐसे ही डाल दिया है, और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है। थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा ही हमको नमक डालना है। तो इतनी चीज़ लगा के फ्रेंड्स हम इसमें 5 से 6 सीटी इसको हम बजाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप एक सीटी और हो गई है, ये छठी सीटी है। तो चने के साथ साथ हम फ्रेंड्स हलवा भी बनाएंगे। हलवे की हम बर्फ़ी बनाएंगे, सूजी का हलवा जैसे बनता है उसी की हम बर्फ़ी जमाएंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी ले लिया है, थोड़ा सा था, इसी में थोड़ा सा और ऐड करूँगी। तो थोड़ा 3 से 4 चम्मच मैंने देसी घी और ले लिया है। देसी घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी फ्रेंड्स हम इसमें सूजी डालेंगे। तो ये देखिए एक कटोरी के करीब सूजी है, यानी कि 150 ग्राम तक सूजी है, इससे ज़्यादा सूजी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने ये आधी कटोरी मैंने घी लिया है देसी, और इस तरह से देसी घी गर्म हो गया है तभी मैंने सूजी इसमें डाली है। तो इसको हम थोड़ा सा धीमे आँच और तेज़ आँच करके ही सूजी को भूंजेंगे, और इसको जब तक ब्राउन नहीं हो जाएगी तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगती है भूनने के बाद, तब तक हमको लगातार इसको चलाते हुए भूनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी इस तरह से लाल हो गई है, इतनी हमको लाल रखनी, इससे कम हमको लाल नहीं रखनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आधी कटोरी चीनी लिया है, तो इसी कटोरी से नाप के मैंने सूजी लिया था, और आधी कटोरी भरकर हम चीनी लेंगे। चीनी अगर आपको ज़्यादा रखनी हो तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे, और फिर इसी कटोरी से नाप कर हम इसी में पानी ऐड करेंगे। पहले तो फ्रेंड्स हम एक कटोरी इसमें पानी डालेंगे, फिर हमको कम लगेगा तो फिर हम इसी में और ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स पानी, फिर हम दूसरी दो कटोरी इसमें और डाल रहे हैं, यानी एक वो डाला, एक ये डाला, दो कटोरी पानी हो गया। फ्रेंड्स पानी इसमें अभी भी कम है, क्योंकि सूजी बहुत अच्छे से पकनी चाहिए, नहीं तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो आधी कटोरी मैंने पानी और डाला है। अब इसको तेज आंच पर हमें इसे खौलाना है अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना पानी डाला है फिर भी उसमें सारा सूजी में एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसको अच्छे से भूंजेंगे जब तक सूजी में बुलबुले से नहीं उठने लगते हैं, और बिल्कुल देखिएगा पानी एकदम सूख जाएगा और बहुत ही मतलब जी में घी सा आने लगेगा, एकदम चपकेगी नहीं सूजी। तब तक हमको इसको चलाते ही रहना है, यानी कि 5 मिनट तक हमको इसको ऐसे ही भूनना है सूजी का कच्चापन ख़त्म करने के लिए। तो इसको हम लगातार ऐसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी का सारा पानी सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, और अच्छे से देखिए इसमें किनारे किनारे घी भी छोड़ रहा है। तो ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमको चाहिए बर्फ़ी जमाने के लिए, तो इसी से हम ऐसे ही बर्फ़ी जमाएँगे, और इसको बस कुछ सेकेंड और भूनेंगे। तो बस इसी स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे, और हम इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे, इससे इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक ही चम्मच मैंने देसी घी डाला है, और इसको फिर हम थाली में जमा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थाली में कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि घी इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अपने आप ही ये निकलने लगती है जब ठंडी हो जाती है। तो बस इसको मैं ऐसे अच्छे चारों तरफ फैला के अच्छे से जमा लेंगे, और फिर हम इसको ठंडा ठंडा मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और बहुत ही टेस्टी लगती है, जैसे हलवा रहता है सूजी का उसी तरह ये भी लगती है खाने में फ्रेंड्स। तो बस ये जम गया है, अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और देखते हैं चने के क्या हाल है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है चने बनाने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोहे की कढ़ाई में चने बनाएंगे तभी वो काले होते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने चने का पानी नहीं फेंका है, जैसे था वैसे ही मैंने पूरा निकाल लिया और जो उसमें दालचीनी और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए ना। 6 सीटी लगाई थी फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं लगानी है और उसका पानी भी हमको नहीं फेंकना है, पूरा ऐसे ही निकाल लेना है। तो ये थोड़ा सा तेल मैंने डाला है और इसको जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पिसी धनिया है, गरम मसाला है और ये थोड़ी सी हल्दी है। इतने ही मसाले हमको डालने हैं और कोई मसाला हमको नहीं डालना है। और इसको हम तड़का लगाएंगे फ्रेंड्स, हींग जीरा से तड़का लगाएंगे। ये एक हरी मिर्च मैंने ले ली है, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या फिर और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें जीरा डालेंगे, फिर हींग डालेंगे और फिर तुरंत ही हमको ये मसाला डाल देना है। यानी कि हल्का सा जीरा लाल हो जाए तब हमको डालना है, नहीं तो फिर कच्चापन सा आता है। और गैस को हमने बिल्कुल लो कर दिया है और ये मसाले हमने डाल दिए हैं। तो मसाले फ्रेंड्स हमको ऐसे ही नहीं भूंजने हैं क्योंकि हमको काले चने बनाने हैं। ये मैंने जो मिर्चा एक था उसका भी उसी में ऐड कर दिया है। ये फ्रेंड्स मैंने आधा कप के करीब पानी लिया है, इसको इसमें ऐड कर दिया है। तो ये पानी डालना बहुत ज़रूरी है, इसी से ही जो चने काले होते हैं इसी से ही काले होते हैं। तो ये मसाला हम तब तक भूंजेंगे जब तक इसमें तेल ना छोड़ दें। तो फ्रेंड्स अगर आपको काले चने बनाने हैं तो ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो चीज़ काले टेक्स्चर नहीं आता है। तो फ्रेंड्स ये मसाला भुंज गया है अच्छे से, अब हम इसमें जो चना है ना वो ऐड कर देंगे। इसका दालचीनी और तेजपत्ता ये सब हम निकाल लेंगे मसाले, और ये जितना है इसको इसी में हम ऐड कर देंगे और अच्छे से हम फ्रेंड्स इसको भूंजेंगे। तो चने देखिएगा अपने आप ऑटोमेटिक काले हो जाएंगे। बस थोड़ा सा नमक हमको डालना है क्योंकि हम पहले डाल चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हाई फ्लेम पर ही मैंने सारे चने भूंजे हुए हैं और ये देखिए इसमें कालापन आ गया है ना, बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट। बस इसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स हम लास्ट में अमचूर पाउडर यानी कि पिसी खटाई हम डाल देंगे। अगर आपको नहीं डालना है तो आप नींबू डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अमचूर डालने से फ्रेंड्स इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और एक बाइंडनेस ही मतलब कि चने में आ जाती है। तो बस हम इसको कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसको करेंगे सर्व। और ये देखिए फ्रेंड्स इसमें हमने थोड़ा सा देसी घी डाला है, देसी घी डालना बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस चने का। क्योंकि हम लहसुन प्याज वगैरह तो कुछ भी नहीं डाल रहे हैं और बस गैस को हम कर देंगे बंद और ऐसे ही चने हम, ये देखिए फ्रेंड्स है ना बढ़िया एकदम वाओ। बस थोड़ा सा हरी धनिया हम डाल के इसमें डेकोरेट कर देंगे और इस मिक्स कर देंगे, जिससे कि हरी धनिया का भी फ्लेवर बहुत अच्छे से चने में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स चने काले चने बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, ऐसे नॉर्मल भी इसको प्याज डाल के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स चना तो रेडी हो गया, अब चलते हैं हलवा की कटिंग करने, यानी कि जो हमने बर्फ़ी जमाई है सूजी की तो उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आप किसी भी शेप में कटिंग कर लीजिए, तो मैंने बर्फ़ी स्टाइल में कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कट इसके हो जा रहे हैं और मैंने इसमें घी भी नहीं लगाया था। तो इसके जैसे भी पीसेस आपको करने हो कर लीजिए और फिर इसको प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो ये पीसेस मैंने निकाल लिए हैं, इस तरह से आप बर्फ़ी जमा के हलवे इसकी सूजी की तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि किस तरह से हमने ये काले चने बनाए हैं और ये सूजी की बर्फ़ी जमा दी है। तो इस तरह से आप बनाकर इसको इंजॉय कर सकते हैं, जैसे व्रत वगैरह होता है या नवरात्र वगैरह होता है तो आप इसको बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं या नॉर्मल दिन में भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है अगर इसी तरह से आप बनाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।